हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट में चैटिंग कैसे करते हैं। तो चैटिंग करने के लिए आपके पास चैटिंग के लिए एक अकाउंट होनी जरूरी है। तो हम देखेंगे कौन सा चैटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है हमें। तो मैं यहाँ मोजिल में जाऊंगा और कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं आप। मैं जीमेल में डालूंगा, जीमेल वेबसाइट में जाकर यहाँ हमारे एक अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे हम। तो यहाँ है अकाउंट में लॉगिन होता हूं मैं। आप भी अपना जीमेल अकाउंट में लॉगिन हो सकता है ऐसे। तो यहां से भी हम चैटिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ चैटिंग के ऑप्शन है, वो अभी लोड हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ी देर। तो देख सकते हैं आप, यहाँ एक पूरा लिस्ट आएगा। देखिए यहाँ लोड हो रहा है अभी। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, अभी हम जी टॉक के लिए सर्च करेंगे। तो आप जी टॉक के लिए सर्च कर सकते हैं या याहू मैसेंजर। या स्काइप भी यूज कर सकते हैं आप। तो बहुत सी चैटिंग क्लाइंट मिलेंगे आपको, चैटिंग सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे आपको। तो इंटरनेट की जरूरी है अब चैटिंग करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिस्ट आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स का लिस्ट आ रहा है सबके। और जो कुछ भी ग्रीन है वो अवेलेबल है टॉकिंग जी टॉक के लिए, चैटिंग करने के लिए। जो कुछ भी रेड है तो वो बिजी है, ऑरेंज है तो कुछ अवे, कई बार गए हैं तो कंप्यूटर छोड़कर बाहर कई बार गए तो अवे हो सकते हैं। ऐसे आप किसी को कोई मैसेज भेजना चाहेंगे, आप ईमेल भी भेज सकते हैं। जाके यहाँ जाकर ईमेल क्लिक करेंगे तो कंपोज विंडो ओपन होगा, जैसे हमने पहले देखा था। अगर आप चैट करना चाहेंगे तो यहाँ एक चैट विंडो ओपन होगा नीचे। यहाँ जाकर आप हाय करके एंटर करें तो वो उसको जाएगा और वो यहाँ से रिप्लाई करता रहेगा। और आप कॉल भी कर सकते हैं, और देखिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल अभी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कॉल का प्लगइन इंस्टॉल करना जरूरी है। वीडियो भी नहीं कर सकते हम। देखिए क्लिक किया तो हमें सिमिलर ऑप्शन आएंगे क्योंकि वीडियो का प्लगइन इंस्टॉल नहीं है हमारे कंप्यूटर में। तो आप वीडियो का प्लगइन इंस्टॉल करना है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जी टॉक सर्च किया तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, google.com/talk यहाँ जाएगा। तो हम अगर ये प्लगइन इंस्टॉल कर दिया तो हम वीडियो और वॉइस चैट भी कर सकते हैं। ये क्लिक करूंगा मैं तो देख सकते हैं एक फाइल आएगा, तो आपको डाउनलोड करना है ये। मैं क्लिक करूंगा सेव, तो उसके बाद वो फाइल जो है, वो फाइल सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए डाउनलोड होगा। सी डाउनलोड कंप्लीट आ रहा है यहाँ। इसके बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ तो, और रन क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉलेशन शुरू होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, ऐसा इंस्टॉलेशन शुरू होगा। तो वो डाउनलोड करेगा वॉइस और वीडियो चैट प्लगइन को। उसके बाद हम जीमेल में जाकर यहाँ वीडियो चैट या ऑडियो चैट कर सकते हैं, यानी कॉल्स कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। आप किसी को कॉल कर सकते हैं, अमेरिका में है, जापान में है, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेंगे, सिर्फ इंटरनेट का चार्ज जो आप पेज करेंगे उतना लगेगा। तो उस जो किसके साथ आप बात कर रहे हो उसको अभी इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए, और वो भी वॉइस और वीडियो प्लगइन सब इंस्टॉल करने चाहिए अपने कंप्यूटर में। तो अब आप आराम से वीडियो चैट कर सकते हैं। तो अगर आप यूएस से बात कर रहे हैं या रशियन से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा आपको, सिर्फ जो इंटरनेट की चार्जेस रहता है आपका महीना, वही चार्जेस रहता है। ऐसे आप इंटरनेट से आराम से बात कर सकते हो, वीडियो चैट ऑडियो चैट कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी मैं साइन आउट हो जाता हूं अकाउंट से। सो यहां हमने जाकर इंस्टॉल वीडियो चैट प्लगइन इंस्टॉल किया है। बाद में देखेंगे जी टॉक सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करना। जी टॉक इंस्टॉल कर सकते हैं आप, याहू मैसेंजर इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप स्काइप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो स्काइप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सी मैसेजिंग मैसेज करने वाला सॉफ्टवेयर है इंटरनेट में, तो आप यूज कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे इसे, ये इंस्टॉल हो रहा है।
तो अभी मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। देखिए याहू डाउनलोड करना है, यहाँ क्लिक करो तो डाउनलोड हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो आप, उसके बाद याहू का अकाउंट यूज करके आप चैटिंग कर सकते हो, याहू ईमेल आईडी यूज करके। ऐसे स्काइप यूज करोगे तो स्काइप का अकाउंट होनी चाहिए। तो ऐसे मैं सब कुछ क्लोज करूंगा अभी, तो ये अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, जीटॉक का प्लगइन, वीडियो और वॉइस चैट की प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद रीस्टार्ट ब्राउजर नाउ करेंगे तो वो मोजिला रीस्टार्ट होगा, कोई भी ब्राउजर है आप खुला है तो वो रीस्टार्ट होगा। उसके बाद आप जीमेल के अंदर गए, जीमेल में लॉगिन हो जाएंगे हम अभी। तो इसमें जाकर लॉगिन करेंगे हम, लॉगिन या साइन इन एक ही होता है। इसके बाद देखिए साइन इन होने के बाद आपको यहां दिखेगा पूरा लिस्ट, चैटिंग का लिस्ट दिखेगा, तब आप देख सकते हैं वीडियो चैट के लिए डिफरेंट सिंबल आएगा यहां। तो आप यहां देख सकते हैं अभी यहां पहले ऐसा दिखाई दे रहा था, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हमारा कंप्यूटर वीडियो चैटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और से चैटिंग करने के लिए, अभी देखिए यहां मेरा फ्रेंड्स है दुर्गेश, अगर इसके साथ वीडियो चैट करने के लिए उसका भी वीडियो चैटिंग होना है, उसका वीडियो चैटिंग नहीं है तो हम वीडियो चैटिंग नहीं कर सकते। तो आप कॉल कर सकते हैं या किसी को सेलेक्ट करके, देखिए ऐसा करके आप चैटिंग में जाएंगे और वीडियो चैट करने के लिए ये क्लिक करेंगे आप, तो अनेबल टू स्टार्ट बोल रहा है वो, और आप कॉल करना चाहेंगे तो कॉल भी कर सकते हैं, तो कॉल कर रहा है तो मैं इसे एंड करता हूं अभी। तो अगर आप कॉल करना चाहेंगे, बातों से बात करना चाहेंगे वॉइस से, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे हम एक प्लगइन इंस्टॉल करना जरूरी है, तभी हमारा वॉइस और वीडियो चैट वर्क होगा। तो मैं अभी साइन आउट होता हूं और देखेंगे हम। तो हम जीटॉक सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे इंटरनेट में, तो ये सर्च में निकलेगा तो क्लिक करूंगा यहां। तो पहले जो हम इंस्टॉल किया था वो प्लगइन था हमारे ब्राउजर के लिए वीडियो और वॉइस का, तो ये अब जो कर रहे हैं ये एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ वॉइस और टेक्स्ट में आप चैटिंग कर सकते हैं। ओके, यहां से पहले हमने ये किया था, अभी ये कर रहा हूं। तो जब ये क्लिक करेंगे तो एक फाइल आएगा, उसे सेव करना चाहिए हमें। सेव करने के बाद इसे डबल क्लिक करूंगा यहां कंप्लीट होने के बाद, तो इंस्टॉलेशन शुरू होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा अपने कंप्यूटर पर। देखिए इसके बाद रन क्लिक करूंगा तो वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, एक अग्रीमेंट होगा, अग्री करना चाहिए। तो फिनिश क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एक जीटॉक का सॉफ्टवेयर आया है यहाँ अपने हमारे कंप्यूटर में। तो एक बार इंस्टॉल करेंगे, कितने बार भी यूज कर सकते हैं उसके बाद। अभी देखिए मैं अपना अकाउंट डालूंगा यहाँ, तो इसके बाद क्लिक करूंगा साइन इन। तो अभी ब्राउजर की जरूरत नहीं है, एक बार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, देखिए ये आपके कंप्यूटर में रहेगा यहाँ।
देखिए ऐसा साइन इन हो जाएगा, उसके बाद दिखाएगा कौन कौन ऑनलाइन है, और ये भी दिखाएगा कौन सा मेल आया आपके। देखिए 30 मेल्स आया है, तो वो दिखा रहा है आपको, कुछ मेल्स आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और अगर किसी से बात करना चाहेंगे, यहाँ जाइए और क्लिक कीजिए चैट, उसके बाद आप टाइप कीजिए हेलो हाय, कुछ भी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो वो मैसेज उसको जाएगा और वो रिप्लाई करेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको। अगर आप कॉल करना चाहेंगे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए ये इसमें जाऊंगा और क्लिक करूंगा कॉल, तो आप देख सकते हैं कॉल कर सकते हो, कॉल वॉइस से बात कर सकते हैं। अभी मैं एंड करूंगा क्योंकि अभी मैं वॉइस चैटिंग नहीं करने वाला। तो ऐसे आप चैटिंग करने के लिए वॉइस और टेक्स्ट चैटिंग इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें वीडियो चैटिंग नहीं है ये सॉफ्टवेयर में। अगर आप वीडियो चैटिंग करना है तो आपको गूगल वॉइस और वीडियो प्लगइन इंस्टॉल करके अपने जीमेल अकाउंट में जाना है, कोई भी ब्राउजर में जाकर साइन आउट करने के लिए यहाँ जाकर साइन आउट क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल है तो अवेलेबल, या बिजी है तो बिजी बोल सकते हैं। देखिए सबको रेड कलर में दिखेगा, अगर आपने अवेलेबल क्लिक किया तो अवेलेबल दिखेगा सबको। उसके बाद अगर आप सिर्फ ऑनलाइन लोगों को देखना चाहेंगे तो ये निकाल दो, शो ऑफलाइन फ्रेंड्स निकाल दो, सिर्फ जो ऑनलाइन है उसको ही दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं। जो ऑनलाइन जो इंटरनेट अभी यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट यहाँ आएगा। अगर आप किसी को इन्वाइट करना चाहेंगे एड, यहाँ क्लिक करो, उसके बाद आपके कॉन्टेक्ट से कोई किसी को ऐड करना है आप सेलेक्ट कर लो। देखिए यहाँ जाकर किसी को इनवाइट करना है, ओके करो, मैं अभी ये निकाल देता हूँ। तो चूज फ्रॉम माय कॉन्टेक्ट्स, तो आपको जीमेल अकाउंट ही ढूंढना पड़ता है यूजुअली। ऐसे सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट क्लिक करोगी तो वो इनविटेशन भेजेगा, उसके बाद इनविटेशन के बाद वो एक्सेप्ट करने के बाद उसका नाम भी यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। ऐसे आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो जी टॉक में। और आप यूएस से बात करेंगे, यूएस में हो जिस उसको बात करना चाहेंगे, और यूके में है, किसी देश में है, आप चैट करना चाहेंगे, वीडियो चैट करेंगे, वॉइस चैट करेंगे या टेक्स्ट चैट करेंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है। सिर्फ आप इंटरनेट के चार्जेस है वो उसको सिर्फ आप पे करना पड़ेगा, वो ये सबके लिए फ्री ही होगा। तो मैं साइन आउट करता हूँ। तो ऐसे जी टॉक यूज कर सकते हैं। अगर आप याहू में याहू मैसेंजर यूज करना चाहेंगे तो आप याहू मैसेंजर भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। बस आपको याहू मैसेंजर की वेबसाइट सर्च करना है, और स्काइप में भी बात कर सकते हैं। आप स्काइप यूज करना चाहेंगे स्काइप भी यूज कर सकते हैं। देखिए स्काइप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, या याहू मैसेंजर डाउनलोड करना चाहेंगे याहू मैसेंजर डाउनलोड कर सकते हैं। तो याहू मैसेंजर में आप वीडियो चैट और वॉइस चैट सब कुछ कर सकते हैं। ये भी एक जी टॉक की तरह एक सॉफ्टवेयर है, तो आपको इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड क्लिक करेंगे तो एक फाइल आएगा, तो उस फाइल को आपको सेव करना है, उसके बाद जैसे हमने किया था जी टॉक वैसा ही करना है। अभी मैं कैंसिल करूंगा। तो आप स्काइप ही इंस्टॉल करना चाहेंगे स्काइप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें भी बात करके बहुत से लोग स्काइप भी यूज कर सकते हैं। स्काइप से आप पैसा देके कम रेट कम चार्जेस में आप डायरेक्ट फोन कॉल भी कर सकते हैं, फोन नंबर को कॉल करके जो यूएस में है उसको। उसके लिए आपको कॉलिंग करेंसी लेना पड़ेगा स्काइप से, तो आप जो लोग यूएस में है उसके फोन नंबर को भी कॉल कर सकते हैं स्काइप यूज करके, उसके लिए पैसा कम लगेगा इंटरनेट कॉलिंग अगर आपने किया तो। दोस्तों इस वीडियो में हमने चैटिंग के बारे में जाना है, जी टॉक और याहू मैसेंजर या स्काइप के बारे में, बहुत सी और भी बहुत सी चैट क्लाइंट्स है, चैट सॉफ्टवेयर है, तो आप इंटरनेट में गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।